सो हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो गाइज आज के वीडियो में दोबारा से लेके आ चुका हूँ तुम लोगों के लिए माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में टॉप 5 एडॉन जो कि तुमको ट्राई करना चाहिए माइनक्राफ्ट के अंदर। एंड ये काफ़ी मज़ा ज़्यादा मस्त होने वाला था, तो वीडियो को लास्ट तक बस देखते रहना। बाकी अगर अभी आप वीडियो को देख रहे हो ना, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए यार, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगी अगली वीडियो लाने की। एंड दूसरा होता था भाई कि हमारा रीच कम करके रखा है यूट्यूब तक, कोई एक लाइक से हमारे रीच वापस आ सकते, तो प्लीज़ एक जल्दी से लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी नीचे कर दीजिए जिससे कि इस वीडियो को रीच मिल पाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइस सबसे पहले हम लोग स्पॉन हो चुके हैं इस जगह पे। एंड सबसे पहला मोड है अपना यहाँ पे माइनक्राफ्ट, बट यू कैन एट टूल्स। तो अगर तुम लोग टूल्स को खाना चाहते हो अपने माइनक्राफ्ट में, तो इस मोड तुमको यूज़ करना चाहिए इस एडॉन को, बिकॉज उसके अंदर तुम लोग देखने को मिल जाती है एटेबल टूल्स। एंड इसको जिसने मतलब क्रिएटर के लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे तुम लोग जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, बाकी तुम लोग यहाँ पे देखने मिल जाते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे ईटेबल टूल्स जिसको तुम लोग ईट करके काफ़ी सारे अलग अलग टाइप की एबिलिटीज़ ले सकते हो। तो तुमको दिखाता हूँ इनकी एबिलिटीज़ क्या है, आखिर इनको खाने के बाद क्या होगा हमारे साथ। तो देखो, अगर मैंने इसे यहाँ पे नेदराइट की पिकैक्स को खाया, तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बड़ा खुद पर खुद माइन हो चुका है, जिसमें हमें स्नो फॉलिंग एंड हेस्ट का इफेक्ट मिल चुका है, जिससे हम लोग स्पीड माइन तो कर ही सकते हैं। साथ में यहाँ पे खुद ऑटोमेटिकली कुछ माइन जगह अपने आप ही माइन हो जाती है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग नेदराइट की चीज़ें खाओगे तो आपको ज़्यादा पावर मिलेगी, एंड अगर तुम लोग यहाँ पे वर्डियन के टूल खाओगे तो कम पावर मिलेगी। बाकी अगर तुम लोग एक्स खाते हो, तो यहाँ पे तुम लोग एक पेड़ को पेड़ पर जाके एक्स खाओगे तो वहाँ पर पूरा एक पेड़ ही कट जाएगा। एंड अगर तुम लोग डायमंड की एक्स खाओगे तो थोड़ा कम पावर यूज़ होगी। एंड वही अगर तुम लोग नेराइट के यूज़ खाओगे तो तुम लोग ज़्यादा पावर मिलेगी एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों से। एंड बाकी अगर तुम लोग सॉर्ड वगैरह खाओगे तो तुम लोग यहाँ पर काफ़ी तगड़ी वाली स्ट्रेंथ देखने को मिल जाएगी, जिससे तुम लोग 1 hit 1 किल कर सकते हो काफ़ी जल्दी। एंड तुम लोग काफ़ी सारे हर्ट देखने को मिल जाएंगे, रीजनरेशन देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर तुमको हर्ट बूस्ट भी देखने को मिल जाता है। देन आता है सॉवल। सॉवल से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेवल एंड सैंड को काफ़ी इजीली माइन कर सकते हैं, तो ये वर्क करेगा सिर्फ ग्रेवल एंड सैंड के ऊपर। तो अगर तुम लोग अलग 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 टाइप की सॉवल्स खाते हो, जैसे मैंने ये यहाँ पे नेदराइट की सॉवल खा रहा हूँ अगर ग्रेवल के ऊपर, तो मेरे को देख सकते हो नेदराइट का भाई ब्लॉक मिल चुका है। एंड अगर मैं यही सॉवल को अगर सैंड के ऊपर खाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को डायमंड का ब्लॉक मिल चुका है। एंड यहीं अगर मैं आयरन की सॉवल खाता हूँ, तो मेरे को आयरन का ब्लॉक मिल जाता है, गोल्ड का ब्लॉक मिल जाता है। तो अलग अलग टाइप की सॉवल खाओ ना, अलग अलग टाइप के ब्लॉक पाओ, इस टाइप से ये वर्क करता है, तो तुम लोग उसको ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर तुम लोग चाहते हो उसको क्राफ्ट करना, तो तुम लोग सर्वाइवल में भी क्राफ्ट कर सकते हो, बट ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बिकॉज तुमको उसके लिए एक नेदराइट टूल लेना पड़ेगा, नेदराइट का ही जिसका भी तुम लोग बनाना पड़ेगा, जिसका भी बनाना है। मान लो मेरे को नेदराइट की पिकअप का बनाना है, तो यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया, एक नेदराइट का लिया, एंड दोनों को यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो मेरे को मिल जाएगी नेदराइट का ब्रेड। एंड यही अगर तुम लोग आयरन का बनाना है, तो आयरन की टूल ले लेना है, आयरन का ब्रेड बना लेना, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है जिसका भी बनाना है। देन आता है अपना सेकंड मोड, एंड सेकंड मोड में आ जाता है अपना यहाँ पे कस्टम स्टिक। एंड इस कस्टम स्टिक का भी क्रिएटर जो भी है, मतलब जो मतलब है, उसका लिंक तुमको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। देन तुमको इसमें देखने को मिल जाते हैं काफ़ी सारे कस्टम स्किट स्टिक्स जिसको तुम लोग यूज़ कर सकते हो अपने माइनक्राफ्ट में। एंड यहाँ पर अगर तुम लोग देखो, तो हमारे पास है नेदराइट स्टिक। एंड इस नेदराइट स्टिक का फायदा ये है कि तुम लोग इसके साथ अनलिमिटेड नेदराइट पा सकते हो, बिकॉज अगर तुम लोग कोई भी ब्लॉक उससे तोड़ते हो नेदराइट के स्टिक से, तो तुम लोग को अनलिमिटेड नेदराइट मिलने वाला है। मतलब कोई भी ब्लॉक तोड़ दो, चाहे वो डर्ट हो, स्टोन हो, या फिर कुछ भी हो, तो जितने ब्लॉक तोड़ोगे उतने ज़्यादा तुमको नेदराइट के इंगट मिलते जाएंगे। देख सकते हो मैं यहाँ पे डर्ट तोड़ा हूँ, मैं क्रिएटिव में उसलिए अभी मिल रहे हैं, अगर मैं सर्वाइवल में रहूँगा तो वो भी मिलते जाएंगे, लेकिन कुछ इस टाइप का नोटिफिकेशन जो आ रहा है ये नहीं दिखेगा तुमको सर्वाइवल में आने के बाद। देखो तो जैसे मैं आ चुका हूँ सर्वाइवल के अंदर, एंड ये रहा हीलिंग स्टिक। एंड हीलिंग स्टिक का मेरे को यूज़ नहीं पता चल रहा कैसे यूज़ होता है भाई, तो अगर तुम लोग को पता होगा तो बता देना मेरे को कमेंट से, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे तुम लोग देखो गोल्ड स्टिक है, अगर मैं इस गोल्ड स्टिक से ब्लॉक तोड़ता हूँ तो मेरे को गोल्ड मिल जाएगा। अभी अगर मैं आयरन स्टिक से तोड़ूंगा तो आयरन स्टिक से आयरन मिल जाएगा, एंड डायमंड स्टिक से तोड़ूंगा तो डायमंड मिलेगा भाई। तो मतलब जो भी तुम स्टिक लो यूज़ करोगे तुमको उसको स्टिक का पावर मिल जाएगा। बाकी हीलिंग स्टिक का तो मेरे को भी पता नहीं क्या होता है। बाकी एक्सप्लोजिव स्टिक आता है, अगर एक्सप्लोजिव स्टिक से मारोगे तो तुम यहाँ पे देख सकते हो एक्सप्लोजन हो जाता है। एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे एक और, मैंने इसको थोड़ा यहाँ पे एक और एक्सप्लोजन हो चुका है, एंड काफ़ी तगड़ा वाला हो चुका है यहाँ पे एक्सप्लोजन। एंड अगर तुम लोग देखो फायर स्टिक है, फायर स्टिक के साथ तुम लोग फायर चार्ज फेंक सकते हो, एंड किसी को जला सकते हो, एंड काफ़ी बड़ा धमाका भी कर सकते हो। देन आता है एंडर स्टिक है, इस एंडर स्टिक के साथ तुम लोग अनलिमिटेड एंडर पल्स फेंक सकते हो, जिससे तुम लोग कहीं पर टेलीपोर्ट हो सकते हो। बीकर स्टिक के अंदर तुमको एक चेस्ट मिल जाएगी, चेस्ट के अंदर तुम लोग को नॉकबैक की स्टिक देखने को मिल जाएगी, जिसमें 30,000, 100 एंड 5,000 का नॉकबैक स्टिक देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ तुम लोग किसी को भी काफी तगड़ा वाला नॉकबैक दे सकते हो, जो भी स्टिक तुम लोग यूज करोगे उसके हिसाब से। देन आता है स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टिक, एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टिक से तुमको आई ऑफ एंटर देखने को मिल जाता है काफी ज्यादा, जिससे तुम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढ सकते हो इन स्टिक की मदद से। तुम लोग चाहते हो इन सभी स्टिक को क्राफ्टिंग कर सकते थे, मिल देख लेना तुम लोग क्राफ्टिंग टेबल पे रेसिपी मिल जाएगी। देन आता है अपना यहाँ पे एआई एनिमेशन, एंड एआई एनिमेशन में तुम लोग देखने मिल जाते हैं इनका एनिमेशन काफ़ी अलग टाइप का हो जाएगा, जो कि नॉर्मल माइनक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है। एंड अगर तुम लोग इनकी फीड करवाते हो, तो तुम लोग देखा होगा माइनक्राफ्ट में फीड कराने के बाद जो इनके बच्चे होते हैं वो जावा एडिशन में काफ़ी मस्त दिखते हैं, बट आप अगर पॉकेट एडिशन में देखो तो उनके हेड ज़्यादा बड़े होते हैं, एंड बॉडी काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। जैसे मैं इन सबको ब्रीड करवा के दिखाता हूँ तुम लोग को,
तभी तुम लोग देखो कॉ का बच्चा कुछ अब नॉर्मल नहीं लग रहा है देखने में, काफ़ी छोटा सा उसका हेड भी है एंड बॉडी दोनों मैच कर रहे हैं। बट अगर मैं यहीं पे सिप को ब्रीड करवाता हूँ एंड सिप का बेबी दिखाता हूँ तो देख लो तो इसकी हेड कितना ज़्यादा बड़ा है एंड इसका बॉडी कितना ज़्यादा छोटा है, तो ये देखो काफ़ी अजीब लगता है। लेकिन कॉ के साथ भी यही होता था, बट इस एनिमेशन में तुम लोग को इनके बच्चे चेंज होते देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर तुम लोग चिकन देखो तो चिकन के भी बच्चे के हेड काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, बट यहाँ पर तुम लोग देखने को मिल जाएंगे इनके भी हेड काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे एंड ये भी चिकन भी काफ़ी ज़्यादा छोटे देखने को मिल जाते हैं। उसी तरह विलेजर के भी बच्चे भी उसी टाइप से हो जाएंगे। देन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बोया ऐप पर चल रहा है एक और नया इवेंट जिसका नाम है वॉच क्लिप्स टू विन, जिसके अंदर तुम लोग 15 मिनट क्लिप देख करके काफी सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड जीत सकते हो। तो क्या कर रहे हो, जल्दी से डाउनलोड करो लिंक है डिस्क्रिप्शन में बोया ऐप को और 15 मिनट क्लिप देखो एंड ढेर सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड जीत जाओ। एंड इसी के साथ फॉक्स का भी एनिमेशन बदल दिया गया है, बिकॉज तुम लोग देख सकते हो फॉक्स के यहाँ पर चलने का एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा कर दिया है। एंड इसके साथ कैट का भी एनिमेशन बदल गया, जिससे तुम लोग देख सकते हो कैट कुछ इस टाइप से बैठी हुई देखने को मिल जाएगी जब भी वो थक जाएगी कहीं पर भी, यहाँ कुछ इस टाइप से बैठ जाएगी जिसकी हमें टेम करने की जरूरत नहीं है, टेम का बिना किए इस टाइप से बैठे हुए देख सकते हो। देन तुम्हारी कैट्स काफ़ी ऊँची ऊँची जंप भी कर सकती है, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा ऊँची जंप कर सकती है कैट्स की, क्योंकि यही एबिलिटीज है। एंड यहाँ पर तुम लोग देखने को मिल जाते हैं विलेजर जो कि बिल्कुल असलियत में जैसे डर के भागते हैं लोग, उसी टाइप से ये लोग भी भागना स्टार्ट कर देंगे देख सकते हो हाथ आगे करके, तो ये भी काफ़ी मस्त एनिमेशन है। देन आता है अपना फोर्थ मोड एंड इस फोर्थ में तुम लोग देखने मिल जाता है, फोर्थ एडॉन के अंदर तुम लोग देखने मिल जाते हैं काफ़ी सारे एन्चेंटमेंट, कस्टम एन्चेंटमेंट जिसके अंदर तुम लोग देखने मिल जाएंगे काफ़ी सारे एन्चेंटेड नए नए बुक्स, काफ़ी सारे एन्चेंटेड नए नए तलवार एंड काफ़ी सारे अलग टाइप के टूल्स, तो यही तुम लोग देखने मिल जाते हैं। बाकी तुम लोगों मैंने इसके ऊपर एक बार और बना के रखी है वीडियो जिसके अंदर काफ़ी सारे एन्चेंटमेंट्स हैं, तो अगर मैं एक एक करके सारे एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा एन्चेंटमेंट दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एंड इसको मतलब अगर मैं बताता हूँ भी तुम लोगों को किस तरह से लेना है तो उसके लिए भी काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि मैंने पहले से बना के रखी वीडियो, जाकर तुमको उसको चेकआउट कर सकते हो चैनल पर। बाकी वेबसाइट का लिंक तुमको दिया हुआ डिस्क्रिप्शन पे, जाकर वहाँ से देख सकते हो कि क्या है इसके अंदर। बाकी तुम लोग यहाँ पे एक एन्चेंटमेंट टेबल देखने को मिल जाती है, एक यहाँ पे एनविल देखने को मिल जाता है अलग सा जिसके साथ तुम लोग कंबाइन कर सकते हो, तो सारी चीज़ें तुम लोग को वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो काफ़ी सारे अलग टाइप के एन्चेंटमेंट है एंड बाकी बहुत सारे एन्चेंटमेंट तुमको मतलब पता नहीं चलेगा, बिकॉज तुमको सारी चीज़ें देखने पड़ेगी कहाँ क्या होता है सबका यूज़। बाकी यहाँ पे देख सकते हो ये रही एन्चेंटमेंट टेबल, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए तुमको एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, जैसे हम लोग नॉर्मल एन्चेंटमेंट टेबल के लिए बुक शेल्फ की जगह बनाते हैं इसी तरह से इसका भी एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। बाकी तुम लोग देख ही सकते हो, यूज़ करके देख लेना लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। बाकी आता है लास्ट एडऑन एंड लास्ट एडऑन देखने को मिल जाता है पिगलिन, बट पिगलिन ट्रेड ओपी आइटम्स, तो ओपी आइटम्स में तुम लोगों को लगेगा नॉर्मल आइटम्स देंगे भाई, मतलब उस टाइप के ओपी आइटम्स नहीं, बट ये लोग काफ़ी मस्त ट्रेड करने वाले, बिकॉज अपने पिगलिन क्या देते हैं भाई कचरा देते हैं इन गोल्ड के बदले, बट इन इसको लगाने के बाद तुम लोग को लाइफ हो जाएगा झिंगा लाला, बिकॉज तुम लोग अगर इसका ट्रेड करते हो तो तुम लोग को डायरेक्ट वो नेदराइट की चीज़ें और डायरेक्ट यहाँ पे एंटरपल्स बिना किसी मेहनत के तुरंत मिल जाएंगे, खाना मिल जाएगा तुम लोग देखने को एंड नेदराइट की चीज़ें तो मिलती रहेगी। बाकी तुम लोग देखो ब्लेज रॉड्स मिल जाएंगे तुमको एक ही बार में, कितनी सारी चीज़ें तुमको कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, नेदर फोर्ट्रेस वगैरह पोशंस देखने को मिल जाएंगे काफ़ी अलग टाइप के एंड यहाँ पे तुमको फुल्ली इंचेंटेड चीज़ें देखने को मिलेगी नेदरराइट की, जो भी तुमको चीज़ें देंगे फुल्ली इंचेंटेड देने वाले, मतलब मैक्स लेवल की इंचेंटमेंट लगा के देने वाले। बाकी तुम लोग ये देख लो आर्मर वगैरह जितने भी पहन लिए इन लोगों ने सारे के सारे फुल्ली इंचेंटेड एंड मैक्स लेवल की आर्मर पहन लिए इन लोगों ने खुद देख करके मेरे को, तो तुमको जस्ट इनको मारना है आर्मर छीन लेना अपना आराम से, तो ये काफ़ी मस्त मोड है तुम लोग उसको ट्राई कर सकते हो। बाकी गाइस सभी के लिंक मिल जाएगी तुमको डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बाकी आज के दिन बस इतना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एक लाइक करके जाना, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करके जाना और बेल नोटिफिकेशन कॉल करके बजा देना। अब तक अपना इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करिए, ज्वाइन करो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आज के दिन बस इतना ही, मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर गाइस।